नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अनुज, एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं मुंबई में। पर आज आपको एक बहुत ही गूह्य सत्य बताने के लिए कोशिश करने जा रहा हूं। भारत वर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए, यहां पर कॉन्वेंट स्कूलों ने कैसे हमको बर्बाद किया, इसको एक छोटे से दृष्टांत के रूप में आपके सामने पेश करने की अनुमति चाह रहा हूं। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण किया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत के शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. Littner और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया था। 1823 के आसपास की बात है। लिटनर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता थी। और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने तो लिखा है कि वहाँ पर 100% साक्षरता थी। और उस समय जब भारत में इतनी साक्षरता है, और मैकॉले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम देश बनाना है, तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लाना होगा, और अगर इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज पैदा करने होंगे लोग, तो हमें इस देश की यूनिवर्सिटी से जो भी निकलेंगे वो हमारे हित में काम करेंगे। और मैकॉले ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह से जोत दी जाती है, उसी तरह इस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था को जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लाना होगा। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए, तो उसके साथ मिलने वाली सहायता जो समाज के द्वारा आती थी, वो भी गैर कानूनी हो गई। वहाँ पर फिर संस्कृत को, जो हमारी मातृभाषा थी, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म किया और उसमें आग लगा दी। बहुत सारे गुरुओं को बेरहमी से मारा पीटा और उनको जेल में डाल दिया। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। तो इसका मतलब हुआ कि हर गांव में प्रत्यक्ष एक गुरुकुल हुआ करता था और ये एक अपने आप में एक हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था। 18 विषय पढ़ाए जाते थे और ये गुरुकुल समाज से चलाए जाते थे, ना कि इसमें कोई पॉलिटिकल या राज या महाराजाओं का कोई कनेक्ट था। गुरुकुलों में शिक्षा निशुल्क दी जाती थी और इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा का कानूनी घोषित कर दिया गया और कलकत्ता में पहली कॉन्वेंट बनाई गई, स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, फिर उसके बाद बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई और उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। और ये गुलामी के जो आज चिन्ह है, आज भी हमारे पास मौजूद है इन यूनिवर्सिटियों के माध्यम से। उसके बाद एक बहुत ही फेमस चिट्ठी मैकॉले ने अपने पिता को लिखी। उसमें उसने लिखा कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय दिखेंगे, लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं होगा, छोड़िए उन्हें तो अपनी मुहावरे भी याद नहीं होंगे। ऐसे लोग इन कॉन्वेंट स्कूलों से बाहर निकलेंगे, अपने परंपराओं के बारे में भूल जाएंगे, हम जब चले भी जाएंगे तो ये अंग्रेजियत यहाँ से नहीं जाएगी। ये फेमस चिट्ठी मैकॉले ने अपने पिता को लिखी थी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब भी साफ साफ दिखाई दे रही है। और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं तो दूसरों पे रौब पड़ेगा ऐसा सोचते हैं। अरे क्या रौब पड़ेगा, जिन्हें अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रौब क्या पड़ेगा उन लोगों का। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ये कैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दुनिया में 204 देश है और 204 देशों में अंग्रेजी केवल 11 देशों में बोली जाती है, पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजों में अंग्रेजी में नहीं है।
ईसा मसीह जो थे वो अंग्रेजी नहीं बोला करते थे, वो अरमेक भाषा बोला करते थे। और ये अरमेक भाषा जो हमारी भाषा भारतीय भाषा बंगाली है उससे बहुत ही समीप है। अगर हम देखा गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो हम UN WHO बोला करते हैं, वहाँ की भाषा भी अमेरिका की तरह इंग्लिश नहीं है, वहाँ फ्रेंच भाषा बोली जाती है। वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट किया जाता है उसका कभी भला नहीं होता। और यही मैकॉले की रणनीति थी। कृपया आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी अपना सुझाव जरूर दीजिए मेरे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।